हेलो गाइस सो टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर टाइम द जैकाल एंड द ड्रम फ्रॉम द लिटरेचर रीड क्लास फोर्थ कम्युनिकेट इन इंग्लिश सो लेट्स स्टार्ट इन अ डीप जंगल देयर वाज़ देयर लिव्ड अ जैकाल एक जंगल में जयाल रहता था वन डे ही वाज़ वंडरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड एक दिन वो फूड के सर्च में घूम रहा था ही वॉज वेरी एंग्री एज ही हैड नॉट ईटन फ्रॉम टू डेज वो बहुत ज़्यादा भूखा था क्योंकि उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया था द जकाल वॉज वेरी एनशियस जो जकाल था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था आई फील सो वीक मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ आई होप टू फाइंड सम फूड सून और आई विल डाई मेरे को जल्दी ही कुछ फूड ढूंढना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊँगा ये उसने सोचा आफ्टर सम टाइम ही वंडर्ड आउट ऑफ द जंगल ही लिव्ड इन घूमता घूमता एक कहीं पहुँचा एंड रीच्ड अ डेजर्ट बैटल फेट और वो वहां पहुंचा जहां पे एक बैटल हुई थी इन दिस बैटल डेजर्ट बैटल फेट अ बैटल हैड जस्ट बीन फॉट एक बैटल हो ही चुकी थी ठीक है द फाइटिंग हार्मीज हैड लेफ्ट बिहाइंड द ड्रम जो फाइटिंग वहाँ पे जिन्होंने लाई करी थी उन्होंने वहाँ पे ड्रम छोड़ दिया था ही वॉज लाइंग अंडर द ट्री एक ट्री के ट्री के नीचे रखा हुआ था एज स्ट्रॉग विंड ब्ल्यू एक हवासी चली द लोअर ब्रांच ऑफ द ट्री ब्रुश्ड अगेंस्ट द ड्रम तो जो एक लोअर ब्रांच थी ट्री की वो उससे टकराई दिस मेड अ स्ट्रेंज नॉइज और उसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली वर वा डा डम डम ये ऐसी आवाज़ आई वन द जैकाल हेयर दिस साउंड जब जैकाल ने ये साउंड सुनी ही बिकम रियली फ्राइटेंड एंड थॉट ऑफ रनिंग ऑफ एकदम से वो डर गया और उसने सोचा कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए इफ़ आई डू नॉट फ्लू फ्रॉम हेयर बिफोर आई एम सीन बाय द क्रिएचर मेकिंग ऑल द नॉइस आई विल बी इन ट्रबल इससे पहले अगर मैं भागा नहीं उस क्रिएचर ने जिसने ये आवाज़ निकाल लिया उसने मुझे देख लिया मैं एक ट्रबल में आ जाऊँगा उसने यह सोचा हैज़ यू वॉज अबाउट टू रन अवे ही हैज सेकंड थाट जैसे वो वहाँ से भागने वाला था उसे एक सेकंड थाट आया इट इज़ अनवाइज टू रन अवे फ्रॉम सम थिंग ये बहुत अनवाइज हो जाएगा अगर मैं ऐसे किसी चीज़ से भागता हूँ विदाउट नोइंग वॉट इट इज़ बिना जाने कि ये क्या चीज़ है इन स्टेट आई मस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट द सोर्स ऑफ दिस नॉइज मेरे को ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये आवाज़ आई कहाँ से और किस चीज़ की है की आई वॉन्ट आउट वॉट द साउंड रियली इज़ एंड हुग इट मैं एकदम सोच रहा हूँ कि ये आवाज़ आई कहाँ से और निकाली किसने आई मस्ट बी ब्रेव मुझे एक ब्रेव होना चाहिए सेट द जकाल टू हिमसेफ जकाल ने यह चीज़, चीज़ खुद से कहा ही क्रैप टू वर्ड स्लोली एंड कॉन्शियसली वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कॉन्शियसली द जेकल वॉज सरप्राइज एंड रीलिफ्ट टू सी दैट वॉज ओनली एन ओल्ड वॉल ड्रम अंडर द ट्री एकदम सरप्राइज हो जाता है और सोचते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ओल्ड ड्रम रखा है ट्री के नीचे वैन ही सो द ड्रम जब वो ड्रम को देखता है रियलाइज डेट इट वॉज जस्ट अ ब्रांच ऑफ द ट्री ब्रुशिंग अगेंस्ट द ड्रम एक सिर्फ एक छोटी ब्रांच ऑफ ट्री ट्री की ब्रांच थी जो कि इससे टकराई थी और फिर उसने ये आवाज निकाली डेट ही वॉज मेकिंग ऑल द नॉइज वेर वारम सो दिस इज़ वाई देर वॉज सच अपेक्यूलर नॉइस जिसकी वजह से यह एक अजीब सी आवाज़ निकली एक्सक्लाम द जेकाल द जेका वॉज ऑल्सो डिलइटेड टू फाइंड द लॉट ऑफ फूड एकदम उसको वहाँ पर बहुत सारा फूड मिला लाइन देअ सम सोल्जर हुट कैंप देअ हैड लेफ्ट बिहाइंड बोर्ड द ड्रम एंड द फूड जो कि सोल्जर वहाँ पे थे उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा फूड जिन्होंने वहाँ पर कैंप लगाया था उन्होंने वो वहाँ पर ड्रंप और फूड दोनों चीज़ छोड़ दी थी द जयकॉल इन्जॉय द मील जेकॉल ने इन्जॉय करी मील को एंड सेट टू हिमसेल्फ उसने खुद से कहा हैड आई नॉट कम बैक आई वुड नॉट हैव हैव फाउंड दिस फूड अगर मैं यहाँ पर तो वापस नहीं आता तो मुझे ये वाला फूड वापस नहीं मिलता सो हेयर द स्टोरी थैंक यू